आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको आपके जीवन में अभी तक किसी से रेस्पेक्ट नहीं मिला है, और अगर आप ये जानते हैं कि आपको रेस्पेक्ट मिला है तो भी इस वीडियो को देखिए कि जो है उस रेस्पेक्ट में क्या था। सभी राशियों के लिए बात करेंगे हम आपसे। ये एक ऐसा विषय है जो काफ़ी प्राइवेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है संवेदनशील है, और बड़े ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और अंत तक देखिएगा, आपको बाकी राशियों का भी पता लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं एरीज से। वैश्य राशि वालों, आपके जीवन की कहानी ये है कि अब मैं इसको रिस्पेक्ट कहूँ या इसको जो है एक आज़ादी ना मिलना कहूँ, या ये है कि बहुत ज़्यादा आप जो है दूसरों के संरक्षण में रहे, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बड़े लोगों का छत्र छाया रही जिसमें प्रेम भी था और जिसमें जो है अथॉरिटी भी थी। लेकिन जहाँ तक रेस्पेक्ट की बात है, आपको जीवन में हमेशा अपने से छोटा माना गया। छोटे सिर्फ इसलिए नहीं कि जो है आप मतलब पैसे में छोटे हैं या आप किसी और चीज़ में छोटे हैं, सिर्फ आपको जो है आपको इसलिए छोटा माना गया कि आपकी उम्र कम है। बाकी आपके जीवन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो है ये सैगी और जो है ये धनु राशि वालों की तरफ से, और आपकी जो सिंह राशि वालों की तरफ से, इन दो से आपको म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तीसरे हैं जिनके जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहते हैं, वो हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वाले। वो भी आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको उनसे भी स्नेह की प्राप्ति होगी या स्नेह मिलेगा उनका भी, लेकिन वो स्नेह जो है एक छोटे और बड़े का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वालों के बारे में एक स्टीरियोटाइप है, एक मतलब एक आम धारणा है कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और ये है कि और बड़े ही जल्दी जो है रिजर्व होते हैं, लोगों से कम बात करना पसंद करते हैं। उनके जीवन में उनको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है वो हार्डली नोटिस करते हैं, लेकिन अगर किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया अगर उनका, तो बिल्कुल उसको वो कभी माफ़ नहीं करते। हालांकि मुंह फेर लेंगे उससे अपना, लेकिन जो है कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि मैं बोलूँगा 10 में से 12 राशियाँ वृषभ राशि वालों को एक्सेप्ट करती हैं, तो उनके जीवन में रेस्पेक्ट की कमी मेरे को दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों की जीवन का एक पैटर्न है, वो है कि इनको जो है जितने भी लोग मिलेंगे अधिकतर वो सब इनको यूज करने वाले मिलेंगे, और ये है कि इनके जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो इनसे पूरा जो है अपना जो है जो भी कुछ उनको काम अपना निकालना है वो निकालेंगे और सफल हो जाएंगे वो जीवन में, और मुड़ के कभी इनको थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। अब वो रेस्पेक्ट जो है वो सिर्फ एक मजबूरी का रेस्पेक्ट है जो आपको अधिकतर लोगों से मिलेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं रियल रेस्पेक्ट की बात करूँ अगर आपकी लाइफ में, तो रियल रेस्पेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर 2 या 3 राशियों से देखने को मिलता है हमको। एक है आपके जो मित्र हैं ये सिंह राशि वाले, और दूसरे हैं ये आपके तुला राशि वाले, इनसे आपको रेस्पेक्ट जो है वो देखने को हमको जीवन में मिलता है। और तीसरे जो हैं जो आपके जीवन में बहुत ही खास स्थान रखते हैं, ये कुंभ राशि वाले एक्वेरियस, इनसे आपको रेस्पेक्ट जरूर मिलेगा आपके जीवन में। ठीक है, अब हम अगली राशि पर बढ़ते हैं कर्क राशि वालों के। कर्क राशि वालों की जीवन की कहानी ये है कि भाई वो ये समझते हैं कि यार ये जो रेस्पेक्ट है एक तरह का ट्रैप है, और उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव भी किया है कि जितने भी लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो ट्रैप जो है वो ले कर रहे होते हैं, ट्रैप डाल रहे होते हैं कि भाई हम आउट ऑफ रेस्पेक्ट करके या जो है कैसे भी इनसे बस अपना काम निकालें। कर्क राशि वाले अंदर तक आत्मा तक पढ़ लेते हैं सामने वाले की, और अगर कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है अगर उनके जीवन में, तो थोड़ा सा भी जो है उनकी आँख से बच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उनके जीवन में जो रेस्पेक्ट है मैं उसकी कमी जरूर देखता हूँ कि जो है उनको लगता है कि यार ये जीवन में क्या हो रहा है, हमको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था जीवन में वो शायद ये जनता है, बाकी की जनता ये शायद हमको दे नहीं पा रही है, या इसमें जो है कुछ और कुछ इसमें ये हमसे चाहते हैं। तो आप ऐसा मान के चल लीजिए कि उनके जीवन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट की कमी मैं देखता हूँ दूसरों से। नेक्स्ट है हमारे पास लियो सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले भाई ऐसा है कि वो अपना जो है वीरता का लोहा मनवाते हैं, वो बिल्कुल जो है वो वैसे हैं जिनके जीवन में आन बान शान ही सब कुछ है,
और जो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनका सम्मान करते हैं, बिकॉज ये अच्छे सेनापति हैं। ये किसी भी काम को उठा लें, ये जो है करेंगे उसको। सिंह राशि वालों की लाइफ में आन बान शान मेन चीज़ है, और इनके जीवन में डिसरेस्पेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने भी इनको डिसरेस्पेक्ट किया वो इनका दुश्मन हो जाएगा, या फिर ये उसके दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, इनके जीवन में सबसे पहला जो रूल है सामने वाले के लिए वो ये है कि प्लीज़ आप तमीज़ से बात कीजिए। ये सामने वाला अगर कोई गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसको टोक देंगे और रोक देंगे, और रोक के बोलेंगे प्लीज़ अपनी भाषा से ही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कन्या राशि वाले। अब इनके जीवन की कहानी कुछ अलग है। इनके जीवन में जो भी कुछ जिस किसी भी चीज़ पर इनका हक हो सकता था वही इनसे दूर होती चली गई। ये एक जेम्स बॉन्ड वाली लाइफ है, जिसमें जिन्होंने भी और जिससे भी इन्होंने प्यार किया वो इनके जीवन से धीमे धीमे दूर होता गया, है ना। अब यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट, मैं यहाँ पर शुरुआत से बचपन से बोलूँगा कि बचपन से यहाँ पर इनको ये लगता रहा कि लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, निग्लेक्टेड एक तरीके से चाइल्ड की तरीके से जीवन रहा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे जीवन में उस रिस्पेक्ट को अपने लिए कमाएंगे, एक अच्छे आर्ट के थ्रू और एक अच्छे जो है एक कला के थ्रू। ये अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करते हैं सिस्टम में, ये कमाते हैं, ये मांगते नहीं है किसी से रिस्पेक्ट, ये अर्न करते हैं रिस्पेक्ट। ये बोलते हैं कि जो जो रिस्पेक्ट है वो कमाया जाता है, वो मांगा नहीं जाता, और ये ना ही किसी को कहते हैं कि भाई हमें तुम रिस्पेक्ट दो, लेकिन लोगों का जो है रिस्पेक्ट इनकी तरफ आम तौर पे सीधे सीधे आता है। लेकिन रही बात, ये तो हुई बाहर की कहानी, लेकिन घर में कुछ तिरस्कार जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कन्या राशि वालों की लाइफ में। और मैंने हमेशा बोला है कि एक एलिमेंट मिसिंग होता है इनकी लाइफ में, पैटर्न मतलब पेरेंट्स में से माता या पिता का एक जो है एलिमेंट मिसिंग होगा इनकी लाइफ में। कई बार ऐसे भी होगा कि माता पिता दोनों हैं जीवन में लेकिन किसी एक से बहुत ज़्यादा दूरी है, तो वो मिसिंग एलिमेंट है, और जो मिसिंग एलिमेंट है वो इनकी तरफ से नहीं है, वो सामने वाले की तरफ से है, इसलिए जो है ये उसको पूरे जीवन भर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ पर इनका हक होना चाहिए था या जिस जो रिस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए था वो इनको जीवन में जरूर हासिल होता है, लेकिन थोड़ा लेट होता है। तुला राशि वालों की लाइफ। तुला राशि वालों के जीवन में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है उनके उनकी अपनी लाइफ में कि उनको ये नहीं पता भाई कौन स्वार्थी है और स्वार्थी होकर के रिस्पेक्ट दे रहा है और किसका रिस्पेक्ट जो है जेन्युइन है। ये बिल्कुल जो है पता करना बहुत ही मुश्किल काम है जीवन के अंदर, और ये तुला राशि वाले लोग जानते हैं। उनके चारों तरफ आसपास जो है उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होंगे, स्वार्थी लोगों का जमावड़ा उनके उनके चारों तरफ देखने को मिलता है। और उस स्वार्थी होने में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि भाई पता नहीं लग पा रहा कि कौन जो है इनको ढंग से रेस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन एक गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है इनकी लाइफ में कुंभ राशि वालों के साथ में, वो बिल्कुल एक रेस्पेक्ट से भरा हुआ संबंध है। उसमें रेस्पेक्ट की कोई कमी मेरे को दिखती नहीं है, केवल और केवल एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इनको अपने लाइफ में, एक सच्चा रिस्पेक्ट वो मिथुन राशि सॉरी इनसे कुंभ राशि वालों से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों में। क्या आपको जीवन में किसी से भी रिस्पेक्ट नहीं मिला अब तक? ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को ये सवाल रिवर्स पूछना चाहिए कि क्या कभी आपने किसी का रिस्पेक्ट किया आज तक? ठीक है, ये इनको ये सवाल रिवर्स पूछना चाहिए अपने से। वाई मैं बोल रहा हूँ कि स्कॉर्पियो कुंभ राशि या सॉरी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लाइफ की कहानी ये है कि बहुत कम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, और ये उन्हीं लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं जो रिस्पेक्ट इनका कमाता है, या जो रिस्पेक्ट जो है इनसे मतलब एक सम्मान हासिल करता है, इनका विश्वास हासिल करता है, उसके बाद ही ये लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। और ये बहुत ही चुनिंदा कम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं अपनी लाइफ में, ये एक बड़ी एक अलग तरह की चीज़ है। लेकिन म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपकी लाइफ में आपको मिलेगा मीन राशि से, आपको मीन से और जो है एरीज यानी कि मेष राशि वालों से म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पर धनु राशि वाले। धनु राशि वालों की भी कहानी वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो जैसी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन वो सिर्फ सामने वाले के पद का रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप भी उच्च पद पर बैठे हुए हैं किसी पर, तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा।
लेकिन जीवन में कुछ अचीव करना पड़ेगा पहले, ये जो जिस रेस्पेक्ट को आप ढूंढ रहे हैं उसको पाने के लिए। अगर आप लाइफ में किसी भी उच्च पद तक पहुंचे या किसी भी ऑफिसर या किसी भी ऐसी आप सीट पे बैठे जो पावरफुल है, तो वहां पर आपको ये रेस्पेक्ट बिल्कुल आउट ऑफ अथॉरिटी मिलेगा आपको, कि लोग आपकी अथॉरिटी को सलाम करते हैं, भले ही आपको क्या करें या ना करें, लेकिन आपके पद को जरूर से लूट मारेंगे। ठीक है, ये एक कहानी धनु राशि वालों की लाइफ में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले। मकर राशि वालों की कहानी में ये है उनके जीवन में कि वो, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा अनुभव रहता है कि वो जो है कब किसी गलत रिलेशनशिप में चले जाएं उनको भी नहीं पता होता, तो उनकी लाइफ में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है या अपने आप जो है चलने लगता है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में ये है कि वो ये बिल्कुल एक तरीके से मान के चलते हैं या उठान के चलते हैं कि जिंदगी में किसी का भी जो है डिसरेस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से किसी भी तरह का अब्यूज़ हो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और क्या आपको आपके जीवन में किसी भी रिस्पेक्ट नहीं मिला अब तक? वो बोलते हैं हम परवाह ही नहीं करते हैं, हम जो है लेकिन हमारे तरफ व्यवहार बस लोगों का सही होना चाहिए, हम तभी रिएक्ट करेंगे जब उनका व्यवहार सही नहीं है, और उसमें रिएक्ट रिएक्शन ये है कि उससे हम निकल जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे उससे। ठीक है जी, तो ये हो गई कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की। लेकिन आपको भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो मिलेगा वो कुंभ राशि वालों से आपको मिलेगा जरूर। नेक्स्ट है हमारे पास कुंभ राशि वाले। क्या आपको जीवन में कभी किसी से रेस्पेक्ट नहीं मिला अब तक? ये कुंभ राशि वालों की लाइफ जो है थोड़ी सी उलझी हुई है इस मामले में। उनको जो है कई बार अपने बचपन से लेकर के और जवानी तक अपने ही लोगों का तिरस्कार झेलना पड़ता है, अपने ही लोगों से जो है उनको डिसरेस्पेक्ट मिलता है बाहर उनकी। और मैंने हमेशा बोला है, मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है कुंभ राशि वालों के लिए कि भाई कुंभ राशि वालों की पूजा बाहर, घर के बाहर पूजा भगवान की तरह होती है और घर में उनको सम्मान नहीं मिलता, है ना, जबकि बाहर जो है उनकी पूजा। ये आप हमारे चैनल पे वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। क्या आपको आपके जीवन में रेस्पेक्ट नहीं मिला अब तक? तो भाई ये कुंभ राशि वाले हैं वो परवाह नहीं करते कि सामने वाला रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दोनों ही मामलों को जानते हैं। अगर कोई रेस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ चाहिए हमसे, और अगर नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमसे पूरा हो चुका है या उसको हमसे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है कि मुझे इनसे कुछ हासिल हो सकता है। तो ये चीजें उनको समझ में आती हैं। अब यहाँ पर जो अगली जो कहानी है वो ये है कि अभी कुंभ राशि वालों को रिस्पेक्ट मिलता है लाइफ में, मैं बोलूँगा रिस्पेक्ट मिलेगा उनको लाइफ में, कुछ जेन्युइन होगा, कुछ नकली होगा, कुछ असली होगा, इस तरीके से लाइफ के अंदर उनके बनते हैं माहौल। लेकिन कुंभ राशि वाले निर्मोही होते हैं, फोन को फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास चार गाड़ियां हैं, चार कुत्ते हैं, या किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में धन दौलत है, वो बोलते हैं यार ये सब जो है फालतू की चीजें हैं, इन पे ध्यान देके कोई फायदा है नहीं। और इस तरह से कुंभ राशि के लोग किसी से भी जो परवाह नहीं करते, उनको लगने लगता है कि लोग सिर्फ जो है मतलब की बात ज्यादा सिर्फ समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीन राशि वाले। अब मीन राशि वालों की कहानी वही ये है कि उनका एक जो बड़ा नाजुक इकोसिस्टम होता है उसमें अगर गलत लोग आ जाएं तो उनको वहाँ पे दिक्कत होती है। और क्या कभी आपको जीवन में किसी से रेस्पेक्ट मिला है? रेस्पेक्ट आपको काफ़ी मिलेगा मीन राशि वालों, कन्या राशि वालों से, और ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों से, और आपकी खुद की राशि के लोगों से आपको रेस्पेक्ट खूब मिलेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, रही बात बाकी लोगों के एंगल्स, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ और किसी ना किसी साधन से जुड़े हुए हैं, तो अपना ख्याल रखिए और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।